पुस्तक का नाम ब्रह्मचर्य जीवन की अनिवार्य आवश्यकता, लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो 2। हिंदू धर्म के आदि ग्रंथ वेद भगवान का कथन है कि वीर रक्षा करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। जो मनुष्य शरीर में अनुपम वीर का संचय करता है वह दीर्घजीवी होता है। आयुर्वेद के आदि ग्रंथ चरक संहिता में ब्रह्मचर्य को सांसारिक सुख का साधन ही नहीं मोक्षदाता भी बतलाया है। सतामुपासनम संगम्य गसताम परिवर्जनम ब्रह्मचर्योपवासश्च नियमाश्च पृथक विधा। सज्जनों की सेवा, दुर्जनों का त्याग, ब्रह्मचर्य, उपवास, धर्मशास्त्र के नियमों का पालन, ज्ञान और अभ्यास आत्म कल्याण का मार्ग है। अब से 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध ने घोषित किया था कि भोग और रोग साथी हैं और ब्रह्मचर्य आरोग्य का मूल है। श्री गुरु गोविंद सिंह ने कहा है, इंद्रिय संयम करो, ब्रह्मचर्य पालो, इससे तुम बलवान और वीरवान बनोगे। आयुर्वेद के आचार्य बागभट्ट का कथन है, संसार में जितना सुख है वह आयु के अधीन और आयु ब्रह्मचर्य के अधीन है। हठयोग प्रदीपिका में लिखा है, मनुष्य जब ऊर्ध्व रहता ब्रह्मचारी रहता है तब तक अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। छांदोग्योपनिषद में लिखा है, एक तरफ चारों वेद का उपदेश और दूसरी तरफ ब्रह्मचर्य, यदि दोनों को तोला जाए तो ब्रह्मचर्य का पड़ला वेदों के उपदेश के पड़ने के बराबर रहता है। योग तत्वोपनिषद में कहा है, जब तक वीर स्थिर रहता है तब तक मनुष्य को काल का भी भय नहीं रहता। भीष्म प्रताप का कथन है, तीनों लोक के साम्राज्य का त्याग करना, स्वर्ग का अधिकार छोड़ देना, इससे भी उत्तम कोई वस्तु हो तो उसको भी छोड़ देना, परंतु ब्रह्मचर्य को भंग न करना। भगवान धन्वंतरी ने उपदेश दिया था कि जो शांति, कांति, स्मृति, ज्ञान, आरोग्य और उत्तम संतति चाहता हो उसे संसार के सर्वोत्तम धर्म ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस प्रकार वेदों से लेकर मध्यकाल तक के समस्त धर्म ग्रंथों ने ब्रह्मचर्य से होने वाले अपार लाभों और उसे नष्ट करने के दुष्परिणामों का स्पष्ट रूप से वर्णन किया है और लोगों को उपदेश दिया है कि यदि वे अपने लौकिक और पारलौकिक जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं तो ब्रह्मचर्य का अवश्य पालन करें। आयुर्वेद शास्त्र के महान आचार्यों ने भी सब श्रेणियों के मनुष्यों को चेतावनी दी है कि यदि वे अपने स्वास्थ्य और आरोग्य को स्थिर रखते हुए सुखी जीवन व्यतीत करने के इच्छुक हैं तो प्रयत्न पूर्वक वीर रक्षा करें। समस्त शास्त्रों के सार रूप भगवत गीता ग्रंथ में तो अनुचित विषय वासना को नाश का मूल कारण बताया है। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विषया नुन पुंसः संगस्तेषु पजायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधो भिजायते क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमः स्मृति बिभ्रात बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति। जो मनुष्य मन से विषयों का चिंतन करता रहता है उसमें आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की पूर्ति की कामना होने लगती है और उस कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध होता है। क्रोध से मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, मूढ़ता से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, इससे बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश होता है और बुद्धि नाश होने से वह व्यक्ति ही नष्ट हो जाता है। पांचवें अध्याय में इस बात को और भी स्पष्ट करते हुए कहा है, एहि संस्पर्शा भोगा दुख योनः एवते आद्यंत वंतः कौन्ते न तेषु रमते बुद्धा। यह जो इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप प्रतीत होते हैं तो भी वास्तव में वे दुख के ही हेतु हैं और नाशवान भी हैं, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति उनमें आसक्त और लिप्त नहीं होते। आगे चलकर गीताकार ने ब्रह्मचर्य को बहुत बड़ा व्रत और तप बतलाया है। देव द्विज गुरु प्राज्य पूजनम शौच मार्जनम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्चति।
देवता, द्विज, गुरु, ज्ञानीजन का सत्कार, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शारीरिक तप कहा जाता है। हमारे धर्मशास्त्रों में शरीर को भगवान का मंदिर माना गया है, जिसको पवित्र और शुद्ध रखना हमारा परम कर्तव्य है। इसका मुख्य साधन ब्रह्मचर्य का पालन ही है। आधुनिक विद्वानों द्वारा समर्थन, ब्रह्मचर्य की रक्षा और विकास का नियम ऐसा शाश्वत है कि प्राचीन ही नहीं अर्वाचीन मनुष्यों ने भी उसका पूर्णतः समर्थन किया है। उसके लाभों को बतलाकर ठीक ढंग से पालन करने पर जोर दिया है। आत्मलीन स्वामी रामतीर्थ का उपदेश इस संबंध में बड़ा प्रभावशाली है। जैसे दीपक का तेल बत्ती के द्वारा ऊपर चढ़कर प्रकाश के रूप में परिणत होता है, वैसे ही ब्रह्मचारी के अंदर का वीर सुषुम्ना नाड़ी द्वारा प्राण बढ़कर ऊपर चढ़ता हुआ ज्ञान दीप्ति में परिणत हो जाता है। दुनिया के विचारों को बदलने वाला समर्थ विद्वान हार्वर्ड स्पेंसन और स्वीडन वर्ग अखंड ब्रह्मचारी थे। दुनिया का सबसे बड़ा तत्वज्ञानी कैंट भी ब्रह्मचर्य के प्रताप से दीर्घायु हुआ था। महायोगी अरविंद घोष ने कहा है कि रेतस वीर का जो तत्व रति करने के काम लगता है, जितेंद्रिय होने पर वह तत्व प्राण, मन और शरीर की शक्तियों को पोषण देने वाले एक महत्व के दूसरे तत्व में बदल जाता है। इस तरह आर्यों का रेतस का ओजस में रूपांतरण होने के फलस्वरूप उसकी ऊर्ध्वगति करने का आदर्श सर्वोच्च है। सुप्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक साधु टी एल वासवानी लिखते हैं, ब्रह्मचर्य का मार्ग स्वर्ग का मार्ग है। स्वर्ग का राज्य ब्रह्मचारियों के लिए है। उसके द्वार पर यह प्रतीत अक्षरों में लिखा है, जो शक्तिहीन हो भीतर न आए। स्वामी विद्यानंद का कथन है, ब्रह्मचर्य से परोपकार की वृत्ति जागृत होती है और परोपकार की वृत्ति के बिना किसी को मोक्ष मिलना संभव नहीं है। स्वामी शिवानंद की सम्मति है कि अगर आप ब्रह्मचर्य पालेंगे तो आप में अतुल बल आएगा। श्री किशोरलाल मरुरु बाला ने लिखा है कि ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि ईश्वर के मार्ग पर चर्या चलना, सब शक्तियों का ईश्वर के मार्ग में उपयोग करना ही ब्रह्मचर्य है। स्वामी अभयानंद ने कहा था कि अगर आपको ब्रह्मचर्य रूपी शक्ति प्राप्त हो जाए तो ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपके हाथ में नहीं आ सकती। प्रोफेसर कृष्ण राव ने कहा है, अचिंत्य और अद्भुत पराक्रम करने के लिए तमाम अनुपम मानसिक और शारीरिक शक्तियां प्रशंसनीय सद्गुण और दीर्घायु केवल ब्रह्मचर्य के प्रताप से ही प्राप्त कर सकते हैं। जैसा विनोबा भावे ने कहा है, यद्यपि विदेशों में ब्रह्मचर्य को धार्मिक रूप नहीं दिया गया तो भी वहाँ संयमी जीवन व्यतीत करने वालों का सर्वदा अभाव नहीं है। वहाँ के विद्वानों ने भी शारीरिक दृष्टि से ब्रह्मचर्य के महत्व को स्वीकार किया है और उसकी बड़ी प्रशंसा की है। प्रशिष्ट जीवशास्त्री डॉक्टर क्राउन MD ने लिखा है, ब्रह्मचारी यह नहीं जानता कि व्याधिग्रस्त दिन कैसा होता है। उसकी पाचन शक्ति सदा नियमित रहती है। उसकी वृद्धावस्था में भी बाल्यावस्था जैसा आनंद ही आता है। डॉक्टर लेटसन MD ने कहा है, प्रजोत्पादक तत्व वीर्य में जीवनी शक्ति का आश्चर्यकारक समूह रहता है। उसकी रक्षा करते रहने से शरीर क्षीण नहीं होता। जब इस तत्व का शरीर में पोषण होता है तब उसकी जीवनी शक्ति में वृद्धि होकर स्वास्थ्य उन्नत होता है। आंखें तेजस्वी होती हैं, चाल स्थिति स्थापत्य बनती है, शरीर सदा जवान दिखाई देता है। अमेरिका के प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर वेनेडिक्ट लुस्टा का कथन है, जितने अंशों तक जो मनुष्य ब्रह्मचर्य की विशेष रूप से रक्षा करता है उतने अंश तक वह मनुष्य विशेष महत्व का कार्य कर सकता है। प्रोफेसर रॉबसन ने सहमति दी है, ब्रह्मचारी की बुद्धि कुशाग्र और वृषद होती है, उसकी वाणी मोहक होती है, उसकी स्मरण शक्ति तीव्र होती है, उसका स्वभाव आनंदी और उत्साही होता है। डॉक्टर गोल MD का मत है, ब्रह्मचर्य से आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। शरीर में वीर के संचय से और व्याप्त हो जाने से देवी शक्ति में अद्भुत वृद्धि होती है। ब्रह्मचर्य के विषय में भ्रांतियां और उसकी उपेक्षा, महापुरुषों और विद्वानों के उपरोक्त उद्गारों के पढ़कर स्वभावतः यह भावना उत्पन्न हो जाती है कि जब ब्रह्मचर्य की महिमा इतनी बड़ी चढ़ी है
तो आजकल लोग उसके प्रति इतनी उपेक्षा की भावना क्यों रखते हैं? युवकों की बात छोड़ दीजिए, आजकल 10-12 साल के बालकों पे दूषित भावनाएं देखी जाती हैं। वे गंदी अश्लील बातें सरेआम करते हैं और उनमें से कितने ही परोक्ष में ऐसी हरकतें करते हैं, पर उनके माता पिता और समाज के अगुआ कोई भी इस समस्या पर विचार नहीं करते और ना उन बालकों को कुटेवों से बचाकर सच्चरित्रता की शिक्षा देना अपना कर्तव्य समझते हैं। अधिकांश माता पिता तो अपने लड़के को निर्दोष और भोला भाला समझकर इस बात की आशंका ही नहीं करते कि जल्दी या देर में वह इस तरह की बुरी आदतों का शिकार हो जाएगा, इसलिए वे उसे इस संबंध में कुछ बतलाना या दुश्चरिता की हानियों से सावधान करना अनावश्यक समझते हैं। बहुत से अभिभावक ऐसा भी सोचते हैं कि बालकों से इस विषय पर चर्चा करना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा करने से वे समय से पूर्व ही इन बातों को जान जाएंगे और फिर कौतूहलवश लुक छिपकर विपरीत आचरण करने लगेंगे। परिणाम यह होता है कि वे तो संकोच या असावधानी बस इस बात को टालते रहते और बालक अपने किसी नीच प्रवृत्ति के संगी साथी या नौकर आदि से इस प्रकार की वीर हानि करने वाली शिक्षा प्राप्त कर लेता है और शारीरिक पतन के मार्ग पर चलने लगता है। इसलिए आप इस भ्रम को सर्वदा त्याग दीजिए कि कोई अन्य व्यक्ति, शिक्षक, गुरु, उपदेशक आदि आपके बच्चे को इस विषय में उचित मार्गदर्शन करा देगा और वह हानिकारक दुष्कर्मों से बचा रहेगा। प्राचीन काल में इसी दृष्टि से अधिकांश बालक कुछ समझदार होते ही मानसिक शिक्षण के लिए कुशल पुरुषों के पास पढ़ने को भेज दिए जाते थे। वे उनकी साधारण पढ़ने लिखने की शिक्षा के साथ चरित्र संबंधी शिक्षा भी देते थे और इस बात का ध्यान रखते थे कि लड़का वीर रक्षा के नियमों का पालन करते हुए सदाचार के पथ पर चले और उसका शारीरिक और मानसिक विकास उचित रूप में हो सके और वह भावी जीवन में सुखी और सफल बन सके। यह प्रणाली जब तक उपरोक्त रूप से प्रचलित रही तब तक भारतीय नरनारी ज्ञान, चरित्र, बुद्धि, पराक्रम, समृद्धि सभी क्षेत्रों में अग्रगामी रहे। उपरोक्त समय तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के प्रताप से उनके शरीर और मन में ऐसी सुदृढ़ता और शक्ति भर जाती थी कि वे अपने व्यक्तिगत, सामाजिक, नागरिक कर्तव्यों का प्रशंसनीय रूप में पालन कर सकते थे और देश तथा राष्ट्र के सम्मान को ऊंचा रखने में सहायक होते थे।